हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव, इसको आप कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझ सकते हैं, हंड्रेड डिवाइड फाइव या हंड्रेड बाई फाइव। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जो अभी अभी भाग करना सीखना शुरू किया है। किसका डिवाइड करना है दोस्तों? आपको फाइव का डिवाइड करना है। जिसका डिवाइड करना है उसको यहाँ पे बाहर लिखना होता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपना रिजल्ट लिखेंगे, यानी भागफल लिखेंगे। आपका भाग कितनी बार गया उसको यहाँ लिखा जाएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, एक अंक की संख्या को लेते हैं सर्वप्रथम। कितना आ रहा है आपका? एक। ये देखिए आपका पाँच से छोटा है, यानी वन लेस देन फाइव है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? भाग नहीं दे सकते। फिर हम क्या करते हैं, दो अंकों संख्या को लेते हैं। हमें समझ आ गया कि भाई एक अंक की संख्या लिया, इसमें तो भाग दे ही नहीं सकते। फिर क्या करते हैं, दो अंक की संख्या लेते हैं, यानी इसके साथ एक और अंक ले लेते हैं। कितना बन रहा है? दस। ये देखिए पाँच से बड़ा है, यानी भाग दे सकते हैं। बस अब हम पाँच का पहाड़ा लिख देते हैं। एक पंजो पंजो, बे पंजा रे दा, तीनों पंजा पंद्रह, चारों पंजा बीस, पाँचों डी पच्चीस, छः पंजा रे तीस। यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी भाई। अब देखिए अब पाँच का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि या तो हमें 10 मिलना चाहिए या 10 से थोड़ी छोटी संख्या। ध्यान क्या रखना है, हम 10 से बड़ी संख्या नहीं ले सकते। ऐसे समझिए, एक पंजो पंजो, बे पंजा दा, तीनों पंजा पंद्रह। देखिए हम तीन बार पहाड़ा बोले तो आपका 10 से बड़ा आ गया, लेकिन दो बार पहाड़ा बोले हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, 10 के बराबर संख्या आ रहा है। कितना आ रहा है देखिए? ठीक है, तो हम जितनी बार पहाड़ा बोलते हैं उतनी बार आपका भाग जाता है। कितना आ रहा है दो बार पहाड़ा बोलने पे, इसको हम यहाँ लिखते हैं। फिर हम इसको माइनस किए, 10 माइनस 10 क्या आ गया? जीरो। अब देखिए सोचिए, यहाँ पर जीरो है तो इस जीरो को हम यहाँ लेके आए। जब किसी संख्या का हम जीरो में भाग देते हैं तो भाग आपका कितनी बार जाता है दोस्तों? जीरो बार जाता है, ये ध्यान रखें, यही मेन बात है। फिर हम माइनस किए हैं, क्या आ गया? जीरो। अब आगे आपके पास जीरो नहीं है। देखिए ध्यान से सुनना दोस्तों, आप कहेंगे सर कि माइनस करने पर भी तो जीरो आ रहा है। फिर हम उसमें जीरो का भाग दे दें, सॉरी, फिर उस जीरो में भी हम पाँच का भाग दे दें। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यह जीरो माइनस करने पर आया वो नहीं है। यह जीरो जो आपका इस संख्या में आया हुआ है वो है। भाग हम किस में देंगे? जो इस संख्या का जीरो है उसी में भाग दे सकते हैं। जो माइनस करने पर जीरो आया है, ये तो आपका सेंसफुल बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मैंने इसको ऐसे ही समझाया है और अभी काम चल रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब जीरो आया हुआ होता है तो जीरो में जीरो बार भाग जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि कुछ भी नहीं आया तो इसको हम क्रॉस लिखते हैं। ठीक है, जब यहाँ माइनस किया कुछ भी नहीं आया तो क्रॉस लिखते हैं। ऐसे समझाते हैं कुछ टीचर्स, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई कुछ नहीं आ रहा है तो क्रॉस कर लो, ताकि इसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो कि ये जीरो है तो फिर इसमें यहाँ जीरो आ रहा है तो इसमें हम क्यों भाग नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस कर दो। ठीक, ओके, क्लियर, धन्यवाद।